अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि मार्केट क्रैश कर रही है, मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश कर रही है, जो कि अभी भी उसी पोजीशन में है। ये देखें जी, सारे टोकन्स अवेलेबल हैं, तकरीबन क्रैश कर रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है। कुछ चंद देखें जो पॉजिटिव में जा रहे हैं, बाकी सारे ज़ीरो हो रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में न्यू इन्वेस्टमेंट की बजाय या सेल करने की बजाय जो टोकन आपके पास पड़े हैं होल्डिंग में, उनको आपने अर्निंग में डाल देना है। अर्निंग में कैसे डालेंगे? यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ये अर्निंग आ रहा है जी। यहाँ पे मेरे पास कुछ टोकन है जिनको मैंने डाला हुआ है अर्निंग में। आप यहाँ पर सर्च करेंगे कॉइन स्टेकिंग में, लेकिन यहाँ पर BTTC टोकन पर ये बिनांस के कुछ अवेलेबल हैं, जो बिनांस के अवेलेबल जिन पर आप इनको आप डाल सकते हैं इसमें स्टेकिंग में। तो यहाँ पे 25% पे BTTC हो रहा है, 90 डेज़ के लिए BTTC हो रहा है, 19% हो रहा है, 120 दिन के लिए, 30 दिन के लिए BTTC 16% हो रहा है। इसी तरह TRX है 12% है, 120 दिन के लिए ADA मतलब 120 दिन आपके को अपने पास जो TRX आपके पास पड़े हैं वो आपने यहाँ पे सब्सक्राइब करने हैं, और वो आप 12% आपको रिटर्न मिलता रहेगा, और आपके ओरिजिनल टोकन भी उसी तरह पड़े रहेंगे। इसका मकसद ये है कि आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग कर सकते हैं, और स्टेकिंग में आपके पास कॉइन सेव पड़े रहेंगे, बजाय इसके कि आप उनको सेल करें। करंट मार्केट सिचुएशन है, इसकी बजाय आपके पास जितने भी अवेलेबल टोकन हैं वो आप यहाँ पे इजीली स्टेक कर सकते हैं। स्टेक करने से आपको प्रॉफिट भी मिलता रहेगा, मुख्तलिफ डेज का मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ टोकन्स का मुख्तलिफ है, और आपकी अर्निंग भी होती रहेगी और आपके लॉन्ग टर्म होल्डिंग भी हो जाएगी। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहें। थैंक यू दोस्तों, खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।